स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे गाइस। ये हिमांकी ब्लॉग्स और हम पहुँचे हैं भारत का प्रथम गांव माणा। पहले ये अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन सरकार ने इसका नाम चेंज करके कुछ जियोपॉलिटिकल रीजन से इसको भारत का प्रथम गांव घोषित किया है और अब ये भारत का प्रथम गांव है। तो हम माणा से लाइव हैं। माणा गांव में एंटर करते ही यहां पर ये विंड मिल भी है, विंड मिल कहेंगे इसको या विंड एनर्जी कहेंगे। ये हवा जब चलती है बहुत तेज तो ये फैन घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। शायद पर्ची काट रहे हैं। किस चीज की पर्ची भैया? सुविधा शुल्क पड़ती है ना पे ग्राम। सुविधा शुल्क, हाँ ठीक ठीक, ₹50 ना, ₹50 सुविधा शुल्क के लिए जाते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत के द्वारा। थोड़ा सा आगे ले ले यार, क्या वो दे देगा स्लिप भी जाएगी। हाँ ये स्लिप मिली है ग्राम पंचायत माणा, पार्किंग और सर्विस फीस। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है और अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है आगे की तरफ, माणा जो गांव है प्रॉपर वहाँ की तरफ। अब तो आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान के प्रथम गांव की तरफ। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है। खाना खा लिया है हम लोगों ने, राजमा चावल खा लिए और उसके बाद हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। व्यास गुफा है यहाँ से लगभग 800 मीटर, भीम गुफा भी यहाँ से है लगभग 900 मीटर और एक जगह और है उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, 400 मीटर के आसपास वो है। मतलब 1 किलोमीटर का ट्रैक है ये पूरा। और उसके बाद वो शॉप भी वहाँ पर है जहाँ पर लिखा होता था कि हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान, वो भी शॉप वहाँ पर है, वो भी देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं भोले का नाम लेके। दीवारों पर कितने सुंदर चित्रण किए हुए हैं, देखिए ग्राफिटी बनाई हुई है, भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता, नंदी भी साथ में है। थोड़ा चढ़ाई टफ हो चुकी है और यहाँ से गणेश गुफा जो है वो 100 मीटर्स पे है और उसके बाद व्यास गुफा है 200 मीटर्स पे, भीम पुल है 400 मीटर्स पे और जो वो चाय की दुकान है वो भी 50 साल पुरानी, वो भी यहीं पर है। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और वापस हमने ऐसे घूम करके इस वाले रास्ते से वापस आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। यह है श्री गणेश गुफा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान। यहाँ पर लिखा है देश की सरहद पर पहुँचे नहीं है, वहाँ पे ये उल्लू बना रहा है। कहाँ उल्लू बना रहा हूँ, पहुँच गए भाई भारत की आखिरी चाय की दुकान। चलो पहुंच गए। शाखा जोशी मेरे भाई, फोटोज में तो यार बहुत देखा था, जो सोचा था उम्मीद जो थी मेरी वो उम्मीद से थोड़ा नीचे रहा। मुझे लगा था कि थोड़ा सा हरा भरा थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होगा, पर स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बट जो भी है फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान पर और तो दिखाता हूँ ब्रेक कैसे। ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान। हमारा भारत देश का झंडा शान से लहरा रहा है और ये भाई साहब सोच रहे हैं हम इनकी फोटो खींच रहे हैं। गाइस ये है माणा गांव,
और मैं इस वक्त खड़ा हूँ हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान पर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एयर एम्बुलेंस है। ये व्यू बहुत प्यारा है इस घाटी का, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये श्री वेद व्यास गुफा है और ये मैं हूँ और यहाँ पर है श्री अभिषेक सरकार जी। श्री 108 बार बोलना भूल गया। श्री श्री 108 अभिषेक सरकार। भारत की आखिरी चाय की दुकान ये है और ये चाय लेके आए हैं दोनों महानुभाव। आ जाओ भाई बैठो, चाय पिलाओ जरा। अंतिम चाय भारत की कैसी है हम देखें। ये नमक पारे भी हैं, चाय भी है, चाय का मजा लेते हैं। यार कितने का है भैया सवारी? ये फ्री का है, ये फ्री का है। अरे भाई चश्मा उतर गया। फाइनली हम लोग माणा से नीचे अब उतर रहे हैं, आखिरी दुकान जो है चाय की। यहाँ से वापस नीचे उतर के हम अपनी गाड़ी पे जाते हैं। यहाँ से वापस हमने आज जाना है, वापस जोशीमठ जाएंगे। अगर समय लगा तो हम वापस आज औली चले जाएंगे, आज वहीं स्टे करेंगे, देन कल वापस हल्द्वानी की तरफ निकलेंगे। तो ये है आखिरी चाय की दुकान। इसके बाद आपका शायद नेपाल या तिब्बत का कुछ पार्ट लगता है इस पहाड़ के पास। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, कभी आप आओ तो। और ये जो घाटी है, घाटी का व्यू देखो आप, बहुत अच्छा व्यू है। अब नीचे चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाइज़ आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा? छोटा व्लॉग है ये वाला, क्योंकि ज़्यादा कुछ देखने लायक, ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं यहाँ पर। जो भी है वो अच्छा है, बट कम है चीज़ें देखने के लिए। तो अब यहाँ से हम आपको सी ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, थोड़ी छोटी है बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव। हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये देना चाहूँगा, यहाँ जो चाय की दुकान है उसका जो चाय का रेट है 20 रुपये, प्लेन मैगी 50 रुपये, वेजिटेबल मैगी 100 रुपये। तो थोड़ा सा कॉस्टली तो कहेंगे नहीं उसको, क्योंकि पहाड़ में इतना ऊपर लेके आना पड़ता है, तो ठीक है, जेन्युइन रेट है, कुछ इतना वो नहीं है। और आप जब भी आप यहाँ आएँ तो ज़रूर इसका चाय का आनंद लें, अच्छी चाय हो रही थी। तो फिलहाल मैं माणा से सी ऑफ करता हूँ आपको और आपको मिलता हूँ आपके नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महादेव।